हेलो गाइस, कार्तिक आर्य ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने गांव में एक मंदिर है बद्रीनाथ का, जो काफ़ी शानदार मंदिर है। ये देखिए आप उसका गेट है, बद्रीनाथ का मंदिर काफ़ी माना हुआ मंदिर है। ये हमारे गांव में पड़ता है बयाला में। जय है गोलू देवता का मंदिर, जो मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया पार्ट वन में। अब मैं पार्ट टू में दिखाने जा रहा हूँ बद्रीनाथ का मंदिर। तो गाइस अब यहाँ से हम निकलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। यह यहाँ का गेट आप देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत गेट है। अब सीढ़ियाँ देखिए, काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ हैं यहाँ की। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने देख चुका है गोलू देवता का मंदिर, अब हमें जाना है बद्रीनाथ के मंदिर। ये देखिए कितने खूबसूरत रास्ता, और सामने है हमारे काफ़ी हरा भरा खेत, और ये देखिए पहाड़ी, काफ़ी अच्छी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो गाइस अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम अपने गांव पहुंचकर। तो देख सकते हैं हमारे गांव में काफ़ी देवदार के पेड़ हैं। ये देखिए गाइस, देखिए काफ़ी देवदार के पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ का छोटा सा रास्ता जिसमें हम चलते हुए, और आपको चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, कितने अच्छे पहाड़ियाँ हैं। सर हम तो आज अपने भाई के लिए मैंने बयाले की वीडियो बनाई है, वो काफ़ी हैप्पी हो गए इस वीडियो को देख के। बयाला के पहले दर्शक यहाँ पे देखते ही मोबाइल रख लिया हमने। देखिए गाइस, किसी ने अपने घर के आगे फुलवारी बनाई गई है फूलों की, आप देख सकते हैं काफ़ी फूल लगाए थे अपने घर के आगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं फर्स्ट नॉल। गाइस यहाँ का फर्स्ट नॉल आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नॉल है। चलो सामने से दिखाता हूँ मैं आपको नॉला। ये देखिए खेत के बीचों बीच बनाया गया है साइड में ये नॉला। काफ़ी ठंडा पानी होता है, इसको पी के काफ़ी फ्रिज की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ का पानी पियेंगे इस नौले का, इसको नौला कहा जाता है, इसमें पानी इकट्ठा होता है अपने आप से। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर बद्रीनाथ के। ये देखिए यहाँ का गेट, एक खूबसूरत सा गेट है, और हम बजाते हैं घंटी जय बद्रीनाथ। अब हम चलते हैं अंदर के तरफ, मंदिर के प्रवेश कर चुके हैं हम। ये देखिए सामने से कितना खूबसूरत सा झंडा लहरा रहा है बद्रीनाथ जी का, आप देख सकते हैं बीचों बीच जाइए मंदिर। या आपको पीछे चीड़ के पेड़ दिखेंगे, देखिए गाइस आप यहाँ पे खूबसूरत से मकान बनाए गए हैं। यह है बद्रीनाथ का मंदिर, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो गाइस चलो फिर चलते हैं। तो गाइस मेरे गांव में काफ़ी मंदिर हैं, एक गोलू देवता का, एक बद्रीनाथ जी का मंदिर। देखिए गाइस आपको दिखा रहा हूँ मैं बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पर कुछ औरतें पूजा करते हुए। तो हम ऐसे धीरे धीरे आगे चलेंगे। यह है मेन मंदिर यहाँ का, बद्रीनाथ जी का मंदिर है ये। तो अभी अंदर नहीं जा सकते गाइस, तो मैं अभी आपको बाहर से ही दिखाऊँगा, क्योंकि अंदर से वीडियो बनाना मना है। ये देखिए ये ऐसा दिखता है यहाँ से दूर से ये मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर, और आप देख सकते। तो गाइस आप बताइए आपको ये मंदिर कैसा लगा। आप देख सकते हैं सामने से कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है ये मंदिर। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने काफ़ी घंटियाँ चढ़ाई गई है, बद्री नारायण जी का मंदिर है ये, बयाला खालसा में पड़ता है। ये देखिए गाइस आप जी, वो मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये हमारे गांव का किशनपुर। चलो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको और अच्छे से इस मंदिर को। ये देखिए ये मेरे पीछे मेन मंदिर यहाँ का, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे मंदिर।
काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये। तो गाइस आपने देखा, ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये गणेश जी का मंदिर है, ये देखिए गाइस, ये गणेश जी का मंदिर है हमारे। और आपको ये है सामने हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर, ये देखिए गाइस, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। बाहर है हमारे नंदी जी, और बाहर भी भगवान जी की मूर्तियाँ रखी गई हैं, और काफ़ी फूल चढ़ाए गए हैं यहाँ पे भगवान जी के ऊपर। ये देखिए गाइस, आप देख रहे हैं सामने मेरे, और ये है हमारी नंदी जी, और ये आपने देख ही लिया भोलेनाथ जी का मंदिर हमारे। चलो फिर ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत मंदिर। और ये हमारे हैं बद्रीनारायण जी का मंदिर यहाँ का सब। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी आकृतियाँ बनाई गई है हमारे मेन गेट में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फूल बनाए गए इसमें, और ये है हमारे तुलसी माता, आप देख सकते हैं तुलसी माता का यहाँ पर वृक्ष लगाया गया, काफ़ी खूबसूरत सा। तो गाइस मैंने आपको दिखाया था बद्रीनाथ मंदिर, अब मैं जाता हूँ अपने घर की तरफ। आप देख सकते हैं सामने कितना खूबसूरत सी नदी आई है, ये देखिए आप, और आपको यहाँ से लग ही रहा होगा कितना खूबसूरत आप व्यू देखिए। आपको हर जगह ऐसी चीड़ का पेड़ मिलेगा हमारे किशनपुर में, मैं ये एक यहीं पर ही आपको सबसे ज़्यादा चीड़ का पेड़ मिलेगा, देख सकते हैं मेरे सामने ये पड़ता है खूबसूरत सा पुल, ये देखिए गाइस आप छत पुल। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक खूबसूरत सा पुल, ये हमारे गांव का एक खूबसूरत पुल है ये, ये देखिए गाइस। और काफ़ी नदी आ रखी है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको अभी ऊपर से, और हम धीरे धीरे चलते हुए इस पुल पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस पुल पे चलते हुए। अखरोट का पेड़ दिखाता हूँ, ये देखिए अखरोट, इसको कहते हैं अखरोट का पेड़, या अखरोट का पेड़। देखिए गाइस, इसमें अखरोट लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये अखरोट का पेड़ है, इसमें काफ़ी अखरोट लगे हैं। तीन घर में हमारे, एक ये रहा, देखो नीचे देखो, काफ़ी शानदार नौला हमारे गांव का ही, ये देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, इसको बोलते हैं छोटा फ्रिज, यहाँ का गांव का फ्रिज है ये गाइस। काफ़ी ठंडा पानी आता है इसका, आपको ज़रूरत नहीं है कोई फ्रिज लेने की, बट इसका पानी आप पियेंगे काफ़ी ठंडा है, और काफ़ी शुद्ध पानी माना जाता है यहाँ का। तो हमारे ज़्यादातर गांव में इसी का पानी यूज़ किया जाता है गाइस, देख सकते हैं। और इसी तरह देखो कपड़े धुलते हुए, इसी तरह यहाँ पे कपड़े धुलते हुए इन्हें एक्सपीरियंस हो गया है कपड़े धुलने का, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस कपड़े धुलते हुए यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसी तरह बहुत मुस्कुराहट के साथ कपड़े धुलते हुए। तो आप चलते हैं आगे इसी तरह, चलो ये धुल लिए अपने कपड़े। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।